हाय दिस इज श्वेता सिन्हा, प्लीज कीप वॉचिंग बोल इंडिया न्यूज, अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से मेहनत चल रही थी यहाँ पे कीजर हुसैन द्वारा, दिनेश मिश्रा जी और दीपाली मिश्रा जी द्वारा, वो रंग खूब लाई और जिस तरीके से यहाँ पे आप 3 खूबसूरत चेहरे देख रहे हैं, 13 में से 10 को गायब कर दिया है, 3 यहाँ पे खड़े हैं और ये 3 की मेहनत है। बाकी रिहा शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? ऑरेंज सिटी नागपुर में आप आए और क्योंकि आपको जल्दी है इस वजह से मैं जल्दी पहले रुख्सत आपको कर रहा हूँ। सो ऑरेंज सिटी नागपुर मेरी है, मैं ऑरेंज सिटी नागपुर की ही हूँ और ये आई हैव बीन अ कंटेस्टेंट, सो आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक टुडे एंड दिस इज वेरी 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 स्पेशल। तो मुझे आई एम फीलिंग समथिंग वेरी डिफरेंट टुडे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दीपाली जी और दिनेश जी ने मुझे इन्वाइट किया एंड आई कुड कम, मुझे फाइनली डे ऑफ मिला एंड आई कुडंट हैव नो बेटर डे देन दिस। थैंक यू। आप दोनों की ऑरेंज सिटी है लेकिन ऑरेंज किसी और पे दिख रहा है सामने पे। आप भी जल्दी जाना है तो मुंबई जाना है या नागपुर वाला घर जाना है? नागपुर फिर तो आराम से करते हैं हम बाकी इनसे। चलिए ठीक है, कैसा लगा? बहुत ही मार्वेलस हिस्टोरिकल जजमेंट है ये और बहुत ही जेन्युइन जजमेंट है, वेल डिजर्व्ड। माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। बहुत डिफ़िकल्ट रहा हम सब जजेस के लिए कि कौन विनर इमर्ज करके आए, बट फाइनली किसी को जीतना है तो किसी को हारना है और अगेन हार्टी कांग्रेचुलेशंस। और दिनेश जी और दीपाली जी को मैं अपने तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया और बहुत बढ़िया इवेंट रहा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्टेज, कंटेस्टेंट, ड्रेसेस, एवरीथिंग वाज मार्वेलस। बहुत दिल खुश हो गया। किसी को जीतना है तो किसी को हारना है और मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, भेड़ाघाट की बात हो रही थी, कई पत्थरों में तराश के तो नहीं बुलवाया था आपने विनर्स के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा मेरा 5 साल का जो स्ट्रगल रहा है आफ्टर 12th अभी तक मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ये पूरा जो स्ट्रगल रहा है, एक्चुअली आज फाइनली लग रहा है कि जो मैंने हार नहीं मानी कभी वो वर्थ था। डर के आगे जीत है। बाकी लोगों को डर था? नहीं, डर नहीं था, बट नर्वसनेस होता है सबको, बट आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एम वेरी ट्रू टू हू आई एम एंड वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड आई हैव ड्रीम्स एंड थैंक्स टू दीपाली मैम एंड दिनेश सर हु आर मेकिंग माई ड्रीम्स यू नो पॉसिबल। मैं बस सबको वहाँ बैठे जो मुझे देख रहे हैं, मैं बस उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज मैंने ये पहन चुकी हूँ तो आप भी एक दिन पहन सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क नेवर बिट्रेज एनीवन, सो प्लीज़ हार्ड वर्क करते रहिए, एक दिन आप भी मेरी जगह होगे, सॉरी मेरी जगह नहीं, यहाँ पे होगे ज़रूर, तो आप भी मेहनत करते रहिए, बस यही मेरा कहना है। इन्होंने पहना है और ताज आपने पहनाया है, क्या कहना चाहिए? डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पहनाया है एंड आई थिंक द most important part was of winning the competition was the answers which they gave, I think that played the trick. Khizar ji, काफ़ी मेहनत थी आपकी, नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल तक आप कोरियोग्राफर पर नाम है आपका माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर जो इवेंट एक सक्सेस हुआ? मैं पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा दिनेश सर और दीपाली मैम को, क्योंकि जब मैं कोरियोग्राफी स्टार्ट कर रहा था तो मैं ये इवेंट आके यहाँ पे देखता था, सीखता था चीज़ें और कभी पता नहीं था कि इसको शो डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी करने का मौका मिलेगा, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और एक वो दिखाया कि हाँ आप भी कर सकते हो, तो बस उसको जस्टिस करना था और जो गर्ल्स जीती है आज, आई थिंक उनको ट्रेन करके, उनको सिखा के, मॉडलिंग फील्ड में मुझे बहुत मज़ा आया, सिखाने के लिए हमेशा ही मज़ा आता है, बट यस आप लोगों का सपोर्ट है, आप मीडिया हमेशा हमें कवर करती है, अच्छा लगता है बहुत, सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑफ मिस नेशन। पिछले 24 सालों से जो संघर्ष चालू था वो संघर्ष को संघर्ष ही कहा जाएगा क्योंकि कोरोना काल जो दो बीच में आ गया था उसके बाद में एक सक्सेस मूवमेंट आप यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कहा जाता है ज़िंदगी का हम सफ़र और एक दूसरे के सक्सेस के पीछे भी एक दूसरे का सपोर्ट। एक्चुअली मेरा सपोर्ट तो उतना नहीं है बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी आई मीन सेटल्ड एंड थे जब व्हेन आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद इन्होंने मुझे फेमस किया है, इन्होंने अपना पूरा इवेंट जो ये ऑर्गेनाइज करते थे मिस महाराष्ट्र टीवीएस कूटी क्वीन, इन्होंने पूरा वो मुझे दिया
एंड ही वॉज लाइक, वो सिर्फ मेरे पीछे रहते थे कि मैं हूँ तुझे पुश करने के लिए, आप ये पूरा इवेंट संभालो, ये आपके नाम से मैं देखना चाहता हूँ एक दिन कि दीपाली मिश्रा प्रेजेंस होना चाहिए। तो मैंने इनसे बहुत सीखा है, मेरे सक्सेस के पीछे इनका हाथ है। और जब मेरी शादी हुई थी तो ये वैसे ही बहुत सक्सेसफुल थे, और जो आज आपने ये 3 घंटे का 2.5 घंटे का जो इवेंट देखा, मैं उसके लिए अपनी टीम को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। सिर्फ मैं और दिनेश मिलकर ये चीज़ नहीं कर सकते, किज़र जी और जितने भी साउंड लाइट, सारे लोगों ने बहुत हेल्प की है। इवन अ चाय वाला, जिसको जो हमको देख के समझ लेता था कि इनको चाय की अभी ज़रूरत है तो सर्व करता था। यस, तो ये हमारी टीम थी, भले ही हम बहुत कम थे लेकिन 100 पे भारी थे। तो ये मैं अपने सारे टीम मेंबर्स को, सारे लोगों को, किज़र जी, दुर्गेश जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, एंड स्पेशली कंटेस्टेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है। ये लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, मतलब मेरी एक आवाज़ पे ये लोग आके खड़े हो जाते थे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इवेंट को सक्सेस बनाने के। बाकी अब इट्स 100 पे भारी, बिल्कुल बात सही है, मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है। और दिनेश मिश्रा जी से जिस वक्त सवाल किया गया था लास्ट मोमेंट पे कि अलग से आप क्या परोसेंगे, तो आपका एक जवाब था कि आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा, और वाकई पे वो दिख गया। किधर से लाते हैं ये सारी चीज़ें आप, कैसे माइंडसेट? माइंडसेट सर ये कुछ नहीं है, ना तजुर्बा भी कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं सीख रहा हूँ। मैं जो भी एक इवेंट करता हूँ ये सोचता हूँ कि ये मेरा पहला इवेंट है, ये मैं कभी ये नहीं सोचा कि मुझे तजुर्बा है या मैंने इतने सालों से इवेंट और एक्टिविटीज़ की है, नहीं। ये सब मेरे बड़े, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता और जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, ये उनका ही आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती है। और जो ईश्वर बोलते हैं, हम लोग नीयत साफ करके काम करते हैं, हम लोग का शुरू से यही रहा है कि कर लेंगे ना देख लेंगे, कर लेते हैं देख लेंगे, एकदम जो होगा देखिए, देख लेंगे, करते हैं हम लोग। हम इसलिए बात बोलना चाहूँगी, ये तो था कि कर लेते हैं देख लेंगे, बट जिस दिन हम लोग वो इवेंट डिसाइड करते हैं, वो चीज़ डिसाइड करते हैं, उसके बाद वी गिव आर 100%, उसके लिए फिर हम लोग बैठते नहीं। आज भी आपने देखा हुआ, ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड, बट ये एक मिनट के लिए भी कहीं बैठे नहीं है। इवन आई वॉज मतलब रनिंग हियर एंड देयर, और ये भी एक पैर पे खड़े थे, जबकि ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, मैं 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आखिरी तक वो खड़े थे। और इन्होंने ग्रांटेड हम लोग किसी चीज़ को नहीं लेते, एवरी इवेंट हमारे लिए न्यू है। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप सर मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी बोलने के लिए। आप हमसे जुड़े हैं सर, महाराष्ट्र होता था, मिस 2021 भी हो गया अब सर, मैं अभी कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा सर, और मैं कुछ बोलने के अभी भी काबिल नहीं बना हूँ सर। मैं मुझे बहुत कुछ करना है सर, अभी मैं उस लायक नहीं बना हूँ कि आज मैं कुछ अनाउंस करूँ या कुछ बोल सकूँ, उतना काबिल नहीं हूँ साहब। मैं कुछ भगवान फिर से मुझे शक्ति देंगे, मुझे सोचने की और हिम्मत देंगे, मैं डिसाइड करूँगा सर, तो ईश्वरी शक्ति देंगे और वो आपको आपके सामने दिख जाएगा सर। बिल्कुल बात सही है, कोशिश करने वाले की हार नहीं, लाइफ में कोशिश करना चाहिए। दो को इजाज़त दूंगा लेकिन टीम को रोक के रखूंगा, क्योंकि टीमों ने जो मेहनत किया है वाकई में तारीफ के काबिल है। और सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या मैसेज मध्य प्रदेश को, जबलपुर को, आप लोगों तक भी आऊँगा। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी हर किसी को कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में सोचते हैं, कोई लक्ष्य अपने लिए चूज़ करते हैं, तो चाहे कितनी भी आपको उसमें मुश्किलें पड़े या कितने भी लोग आपको बोले कि नहीं तुम ये नहीं अचीव कर सकते हो, या कभी तुम्हें लगे कि नहीं अब मैं हार मान जाता हूँ, बस वही एक वक्त रहता है जब हमें लगता है कि अब हम इसे छोड़ दें, कि हमें अपने आप को समझाना होता है नहीं अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक हो नहीं जाता है कोई भी चीज़ जो आपने एक बार अपने लिए सोच लिया, तब तक उसके पीछे आप पड़े रहें, ज़रूर एक ना एक दिन आपका लक्ष्य हासिल होता है। Hard work, discipline, dedication, also ये एक फेवरेट कोर्स है जो मैं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। इट्स लव ऑल, डू रॉन्ग टू नन एंड ट्रस्ट अ फ्यू। सो आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, बिकॉज द वर्ल्ड स्टैंड्स ऑन यू नो लव एंड काइंडनेस। You have to be very grounded, you have to give back to the society. तो हमेशा याद रखिए कि you know you have so much, you're so capable to give back and you have that capacity to do so. तो क्यों नहीं आप करते हैं? तो वो आप सोचिए, समझिए और अपना purpose ढूंढिए लाइफ में और करिए। जो नहीं करते हैं उनके लिए पॉजिटिव भी मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक गाना था जो मैं हर बार सुनती हूँ जब भी मुझे स्टेज पे जाना रहता है, वो है माना कि मुश्किल है मगर सुनो ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम बढ़ाए जा गगन गगन झुकाए जा। सो इट इज वेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग एंड अब ये एक्सेलरेटर है मेरी लाइफ का। सो अब तो ये गाड़ी नहीं रुकने वाली, बस पैर रखना है, उठाना नहीं है, उठाना नहीं है। अब बस ये गाड़ी चल चुकी है, अब ये आगे जाएंगे और मेरे जैसी कई लड़कियों को और इंस्पिरेशन देगी और वो लोग यहाँ खड़े होंगे एक दिन सर। गाना सुनते थे और आज सुनाने का भी मौका मिल गया और आपने सुन भी लिया, लेकिन बात सही है, हर एक मोमेंट हर एक घड़ी पे यही बात सामने आती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी कोशिश करिए, आप भी अगर इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, सर में ताज रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको भी ताज मिलकर रहेगा। कैमरामैन शोएब खान के साथ सलीम रहमान, गोल इंडिया न्यूज़।